वैसे तो यूट्यूबर प्रैंक करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मेरे साथ प्रैंक हो गया। वो तो किसी और पार्क में है, जिन्होंने मुझे बुलाया था वो किसी और पार्क में। व्हाट द हेल यार, सोचा नहीं था कि छोटे छोटे बच्चे भी मेरे साथ प्रैंक करेंगे, तो हो गया जी मेरे साथ प्रैंक। पीछे देख रहे हैं पीसी, ये पर्ल कॉन्टिनेंटल। अभी बच्चों से रास्ता पूछ रहा हूँ, इन्होंने बोला कि हमारे साथ जाएं, आपको एक शॉर्ट रास्ते पे लेके चलते हैं। सो मेरे साथ क्यूट बच्चे, इनका नाम पूछते हैं जी। आपका नाम? सामने है पार्क और बहुत तंग किया बगैर तो ने। सो मुझे कमीना मिल चुके हैं, कमीना नंबर एक। मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, मुझे गलत पार्क का नाम बता के जलील करने वाला। और कमीना नंबर दो चेकआउट कर रहे थे, निकल रहे थे, है ना, मुझे बुला के और खुद गायब बगैर थी की हाथ हो। इसी के हाथ से इसलिए खा रहा हूँ कि बगैर थी भी इन लोगों ने की। अस्सलाम वालेकुम सामईन नाज़रीन, टुडे व्लॉग इज जलालाबाद पार्क। और रात का व्लॉग इससे पहले कभी नहीं बनाया। सो नाज़रीन, बेहतरीन व्यूज़ है माशाल्लाह। शाम का टाइम है और बेसिकली यहाँ पर मुझे मेरे छोटे भतीजों ने बुलाया था, जो कि अभी तक मुझे नहीं मिले। आज का व्लॉग स्पेशली उनके लिए ही था, तो जब मिलते हैं फिर आपको इंशाल्लाह उनसे भी मिलाते हैं और ज़रा गपशप ही लगाते हैं। और कुछ नहीं, ये जो ओवर हंसी मेरे चेहरे पे आ रही है, इसके पीछे कोई और सीन है। सो ऑन कैमरा नहीं, वो ऑफ कैमरा वाला सीन है। सो यहाँ पे मेरा बेहतरीन फेवरेट स्पॉट आने वाला है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो है ये फ़ोटोग्राफी के लिए। और ऑलमोस्ट यहाँ पे आके मैं फ़ोटोग्राफी वगैरह करता भी रहता हूँ। माशाल्लाह से बहुत प्यारा व्यू है। अब ढूंढना शुरू करते हैं अपने भतीजों को और मैं कैमरा बैक कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं छोटा सा पार्क भी है, छोटा सा ज़ू भी है साथ में। तो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो, तो मुझे मतलब उस तरह के व्यूज़ वगैरह नहीं मिलते, लेकिन फिर भी मैंने एफर्ट नहीं छोड़ी, मुसलसल एफर्ट किए जा रहा हूँ। फिर भी बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का एहसान है। तो हमारा टूर स्टार्ट होता है जी यहाँ से। ये मेरा फेवरेट प्लेस है। हाँ जी, तो ये चीज़ अच्छा, रात का सीन मैंने इससे पहले कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया। सो अभी ऑफकोर्स सुनाजी, अभी तक तो मुझे मिले नहीं हैं, बच्चे किधर हैं। बहरहाल हल्की हल्की सी ठंड भी फील हो रही है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। माशाल्लाह इस टाइम बेहतरीन व्यूज़ हैं, बिल्कुल पुरसकून माहौल है, हल्की हल्की सी ठंड है, और साथ में जो यहाँ पे लाइट्स वगैरह हैं वो भी जल गई हैं ऑलमोस्ट। तो बहुत ज़्यादा मज़े का माहौल, आप भी इंजॉय करें और काइंडली कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट से मुझे पता चलता है कि मैं कौन सी गलतियां करता हूं, कौन से जो व्यूज़ होते हैं। ओए हो हो हो, नेक्स्ट आगे मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। यहां पे हम लोगों ने मैं था, मेरी कज़न्स और साथ में एक सिस्टर और दोस्त। बड़ा ब्यूटीफुल व्यूज़ और क्या कमाल की यादें हैं यार, मुझे रोना आ रहा है, लेकिन मैं फ़िलहाल रोऊँगा नहीं, अपने दोस्तों को ढूँढूँगा और शायद के मिल ही जाएँ। अगर मिलते हैं तो फिर उनसे भी बात करते हैं। सो मुझे लगा था कि यहाँ पे मेरा भतीजा एक है, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिला, अभी नहीं है, मिल जाएगा। कितना टाइम घूमेंगे? तो मैं भी घूमने लगा हूँ, 5 मिनट से घूम रहा हूँ। मुलाकात होती है तो बड़ा मज़ा आएगा उनके साथ। अक्सर 2-3 बच्चे तो ऐसे हैं जो मतलब आते रहे लेकिन बहुत कम आते हैं, तो उनसे भी मिलाएंगे आपको इंशाल्लाह। मेरा कुछ इरादा इस तरह था कि फेस कवर करके उनके साथ प्रैंक करूँगा, प्रैंक तो दूर की बात, फिलहाल तो वो नज़र भी नहीं आ रहे, तो क्या प्रैंक करेंगे। वाह, ये देखें मेरे पीछे 2 वे हैं, ये वाला मिडल को जाता है और वो वाला जो है
दूसरे वाला ये वाला, ये वॉकिंग ट्रैक है, यहाँ पे जॉगिंग वगैरह करते हैं, तो वो वाला है। और इसके साथ यहाँ पे बहुत बहुत सी पुरानी पुरानी यादें हैं। जब मैं आर्मी की भर्ती के लिए आया था तो आपने एक लास्ट ब्लॉग देखा होगा, तब भी बनाया था। और इसके अलावा भी, और इसके अलावा मैं काफ़ी सारे ब्लॉग बनाता रहता हूँ, तो आप लोग शायद देखते होंगे, अक्सर बेशतर देखते भी हैं और कॉमेंट्स वगैरह भी करते रहते हैं। तो ये ब्लॉग सिर्फ कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए था, हाँ नहीं सॉरी है, और इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। बच्चों से मुलाकात करवाएंगे, फिर उनके एक्सपीरियंस जानेंगे कि उन्हें यहाँ पे आके कैसा लगा। हमारी यहाँ के मुजफ़्फ़राबाद की बेहतरीन प्लेसेस में से एक प्लेस ये है। और आज खैर मुझे उस तरह का रश नहीं फील हो रहा, उस तरह का क्या, बिल्कुल ही रश नहीं है, क्योंकि मेरी जो एंट्री हुई है वो मगरिब के बाद हुई है, तो ऑलमोस्ट मगरिब के वक्त यहाँ से लोग चले जाते हैं। अभी ढूंढते हैं बच्चों को, फिर बाकी बातें आपसे फिर करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही मैं घूमता रहा पूरे पार्क में तो आप लोग बोर हो जाएंगे और मैं आपको बोर करना नहीं चाहता, तो बने रहे हमारे। हाँ जी डेफिनेटली, क्या कौन रहा है बोरियत की दुकान, यार बच्चे आए थे व्लॉग बनाना था उनके साथ, नज़र ही कोई नहीं आ रहा। बच्चे सो गाइस, अभी तक तो मुझे बच्चे मिले नहीं हैं, अभी उनसे कांटेक्ट हुआ था, लेकिन पार्क काफ़ी बड़ा है तो फिर ढूंढने पड़ेंगे कहाँ पे हैं। वेरी 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 ब्यूटीफुल व्यूज माशाल्लाह, तो ठंड भी हो गई है और बच्चों को ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, मतलब मुश्किल है। मैं तो वॉकिंग ट्रैक से होता हुआ यहाँ के मिड में आ गया हूँ। एक्चुअली रात की एक अपनी ही बात है, अपना ही मज़ा है रात के व्लॉगिंग का ना, आपको उस तरह का शोर भी नहीं मिलेगा, और चिड़ियों की चहचहाट, क्या बात है, बहुत आला माशाल्लाह कमाल है। सो वैसे तो यूट्यूबर प्रैंक करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मेरे साथ प्रैंक हो गया, वो तो किसी और पार्क में है, जिन्होंने मुझे बुलाया था वो किसी और पार्क में, व्हाट द हेल यार, सो क्या हो सकता है। और वो पार्क है यहाँ से बहुत दूर, ऑलमोस्ट अगर मुझे लगे भी तो हाफ एन आवर तो कहीं गया ही नहीं है ना, आधा घंटा तो लग जाना है, बट मैं फुल पूरी तरह से पार्क भी कवर नहीं कर पाया। और मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए, मतलब जाना चाहिए चाहिए क्या, मैं जा रहा हूँ। नीचे चिल्ड्रन वाली साइड है, उसने मुझे आई थिंक मेरे साथ प्रैंक हो गया, हाँ सच में मेरे साथ प्रैंक हो गया, और अब मुझे ओह माय गॉड, अब मुझे फिर जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, बट होप फॉर बेस्ट, हाँ मेरे साथ प्रैंक हो गया, मुझे गलत जगह बुला के और खुद आएगी, दैट्स वेरी बैड। सोचा नहीं था कि छोटे छोटे बच्चे भी मेरे साथ प्रैंक करेंगे, तो हो गया जी मेरे साथ प्रैंक, बच्चे बल्कि ये तो मिलूंगा तो तब मैं उससे बात करूंगा कि बगैरत इंसान जब नहीं पता पार्क का नाम तो मुझे एग्जैक्टली नाम किसी से पूछ के बता देना था यार, बट नो, गैरत तो हम लोगों ने करनी नहीं, ख़त्म मैंने क्या था, ख़त्म गैरत तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बट अब क्या कर सकते हैं, अब मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा, तो अब देखते हैं कौन सा, किसी से चलो पूछ लेते हैं शॉर्ट वे कौन सा है। तो ना मेरे पास अभी कोई बाइक वगैरह है, ना और कुछ, प्रैंक। वैसे तो मैंने अभी सोचा नहीं था कि मैंने सोचा था कि मैं शुरू करूंगा प्रैंक वीडियो, लेकिन यहाँ तो जनाब मेरे साथ हो रहे हैं प्रैंक, पर अब क्या कर सकते हैं, पूरा चक्कर कटवा के पार्क का। तो अभी बगैरतों को याद आया जी कि हम लोगों ने तो इस पार्क का बताया ही नहीं बगैरत, बट बहुत ही क्लासिक व्यू है माशाल्लाह से, आप लोग देख सकते हैं पीछे बहुत ही खूबसूरत,
सो मिस कर दिया बच्चों ने इस पार्क के इस व्यू को। ये देखें बहुत ही क्लासिक माशाल्लाह। जाहिर सी बात है थोड़ा अंधेरा है लेकिन लाइटिंग बेहतरीन लगी हुई है जिस वजह से माहौल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। 5:30 हो गए, मुझे 5 बजे का आई थिंक बोला हुआ था तो आधे घंटे से ऊपर हो गया है और ये भाई हैं। अच्छा जी, ये लड़कों ने बोला था कि हमें भी ऐड कर लें तो इन्हें भी ऐड किया। फालतू का लव यू है यार, मुझे नो इंटरेस्ट अबाउट लव यू। सो गुड बाय पार्क। अब हम जा रहे हैं दूसरे पार्क साथरा, जिसका मैं किसी से शॉर्ट रास्ता पूछता हूँ और फिर जाते हैं क्योंकि अगर मैं ऐसे पैदल चलता रहा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हमारे साथ प्रैंक करने वाले बच्चों के नाम हैं असद तनवीर, उसके साथ नबील मुनीर, उसके साथ उनके साथ मेरी दो भतीजियाँ हैं जिनका नाम लेना मैं ज़रूर नहीं समझता क्योंकि प्रैंक में वो नहीं शामिल बेचारी। तो क्या कर सकते हैं, अब ढूंढते हैं कोई रास्ता जी, अब क्या हो सकता है। वाटा बगैर थी वो जो आप पीछे देख रहे हैं पीसी, ये पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल मुजफ्फराबाद। थक गया जी मैं। सो अभी बच्चों से रास्ता पूछ रहा हूँ, इन्होंने बोला कि हमारे साथ जाएं, आपको एक शॉर्ट रास्ते पे लेके चलते हैं। सो अभी फिर अल्लाह के सारे और बच्चों के सारे। सो मेरे साथ क्यूट बच्चे हैं, इनका नाम पूछते हैं जी। आपका नाम? सुभान। सुभान माशाल्लाह, क्यूट नाम। आपका? नुमान। नुमान मेरे भतीजे का नाम है। आपका? अब्दुल्ला। और आपका? अब्दुल्ला। यानी कि हमारे पास दो दो अब्दुल्ला और एक नुमान और एक सुभान। नुमान और सुभान आप भाई हैं? नहीं। अच्छा, ऐसे विलेज में तो ऐसा होता है कि आप सिटी से हैं तो सेम नेम होते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन ये बच्चे जो मुझे मिले हैं ये मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँचाएँगे, स्पेशली ये वाला छोटा बच्चा जिसका नाम है सुभान। माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। सो मेरे सामने है पार्क और बहुत तंग किया बगैर तो ने, मिल के उनकी खबर लेते हैं साथ। सो मुझे कमीने मिल चुके हैं, कमीना नंबर एक, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था मुझे गलत पार्क का नाम बता के जलील करने वाला, और कमीना नंबर दो इतना मतलब यार मुझे इतना चलना पड़ा पैदल कि अभी मैं पसीने में भीगा हुआ हूँ। ये तो अल्लाह ज़िंदगी करे वो छोटे बच्चों की, अगर वो मुझे ना मिलते शॉर्ट वे ना लाते तो मैंने तो पहुँच ही नहीं सकना था। और ये लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे थे, निकल रहे थे मुझे बुला के, और ख़ुद गायब बगैर थी कि हद हो गई है। मैं आपको बच्चियों से भी मिलाता हूँ। ओह वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा तो अभी ये मुझे आइसक्रीम खिलाएंगे, तो नहीं खिलाएंगे तो मैं इन्हें मारूंगा। और यहाँ पर पार्क के साथ साथ आपको बेहतरीन किस्म की हर चीज़ें मिलेंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें काफ़ी सारी चीज़ें, रिफ़्रेशमेंट का आपको सामान यहाँ से अवेलेबल मिलता है, काफ़ी सारी वैरायटी है। ये आ गई इनकी तरफ से क्या कहते हैं उसे, ट्रीट नहीं जुर्माना। तो बाकी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। इस पार्क में अरसा हो गया, मैं भी नहीं आया यहाँ पे। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मेरा बड़ी था जो कि इस टाइम भाग है, तो उसके साथ आया था लास्ट टाइम। उसके बाद कुछ चक्कर ही मतलब इरादा ही नहीं बना, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल रेड रेड हो रहा हूँ। सो इतना रेड मैं हूँ नहीं। सो आपको आगे लेके चल, तो इसलिए के हाथ से इसलिए खा रहा हूँ कि बगैरती भी इन लोगों ने की थी और काफ़ी ज़्यादा। तो अभी हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे पार्क का रिव्यू देंगे और उसके बाद फिर हम लोगों ने निकलना है घर के लिए। आगे आए उधर बैठे यहाँ पे मैंने अपने दोस्त के साथ शूट किया था, अदील के साथ, अदील मुनीर रज़ा, और उनके साथ मैं था और मेरे साथ वो थे। वाह क्या बात,
क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना है। खैर यहाँ से आपको मुजफ्फराबाद का मुकम्मल व्यू मिलता है। लाइक ये देखें, तो छोटा सा पार्क भी है बच्चों का। ओ नाजरीन, पुरानी कुछ यादें ताज़ा करते हैं और मैं अभी झूले में बैठने लगा हूँ मेसी ओदील, क्योंकि मैं यहाँ पर 2000 याद भी नहीं है 2013 था या 14 था फर्स्ट टाइम जब आया था या इससे भी ज़्यादा, बट यहाँ का व्यू चेक करें बहुत कमाल। मैं और असद बैठने लगे हैं। चलो जी असद बेटा बैठो। कैसे बैठते हैं? ये तो टूटा हुआ है, मैं तो दूसरे पे बैठूंगा, आप उस पे बैठे जी। और दो दो बंदी हो गए, दो बैठेंगे अब फिर। ओए ओएमजी नबी तकरा से बोल रही थी। ओएमजी ये इन क्लासों में अब हम कुल्फियां बनाएंगे। ये देख मुझे चक्कर नहीं आ रहे बट मुझे ऑकवर्ड लग रहा है। ऑकवर्ड, दिस इज द ऑकवर्ड सीन। बस स्लो स्लो, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि मेरे हाथ से कैमरा गिर जाएगा। ये मैं अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर रहा हूँ। खैर कौन सा बचपन, मैं अभी बच्चा थोड़ी रहा हूँ। तो बचपन में ना हमारे घर के पास एक छोटा सा पार्क बना था, थैंक यूस। तो उस पार्क में एक झूला इस तरह का था और एक दो झूले थे, टोटली दो तीन झूले थे। उस पे हम लोग झूला करते थे और फिर उतरने नहीं देते थे किसी को। वही वाली याद आ रही है। अनबील साहब को इसलिए नहीं बिठाया, अनबील साहब से बात भी करेंगे, और इनको इसलिए नहीं बिठाया कि अगर इनको बिठाते तो फिर झूला टूट जाना था। सुनाजरीन में आपको यहाँ का बेस्ट व्यू दिखाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंतहाई ज़बरदस्त था, और यहाँ से आपको पूरा मुजफ्फराबाद नज़र आता है। चलते हैं उस व्यू की जानिब, क्योंकि फ़िलहाल रात है तो उस तरह साफ तो नहीं नज़र आएगा, लेकिन लाइट्स में आपको दिखा देता हूँ लाइटिंग। मुजफ्फराबाद व्यू के नाम से ये जगह मशहूर है, और सच में वाकई पूरा मुजफ्फराबाद यहाँ से नज़र आता है। व्यू बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। आपको पूरी साइड दिखा देता हूँ, ये देखें। और इंशाल्लाह किसी दिन के टाइम पे यहाँ पे आके फिर आपके यहाँ का दिन का व्यू भी दिखाऊंगा। ऑल ओवर बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें, आपको देखने को बहुत प्यारी प्यारी जगह मिलेंगी। चलते हैं, बैक टू होम, क्योंकि हो गया अंधेरा और फिलहाल अंधेरे से डर नहीं लगता मुझे, बड़ा हो गया हूँ मैं, बच्चा नहीं हूँ जिसे डर लगेगा। सो हमारे साथ दो बच्चे और दो छोटी बच्चियाँ, तीसरी हैं मेरी, वो हैं, उनको साथ लेते हैं और चलते हैं वापसी है। बट यहाँ पे आके मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे हो जाता सब कुछ रेड रेड, खतरे की घंटी। चलें बैक टू होम। तो यहाँ पीछे आई थिंक ब्राइडल शूट चल रहा है मेहंदी का, तो यहाँ इस चीज़ के लिए भी ये जगह काफ़ी फेमस है, यहाँ पे शूट्स वगैरह होते हैं ब्राइडल। अच्छा, और फ्यूचर में यहाँ पे झूला लगने वाला है, वो बड़ा वाला जो होता है। तो यहाँ पे वैसे एक डायनासोर हुआ करता था, जो अब नहीं रहा, जो अब नहीं रहा, फोत हो गया, वो हो गया फोत। और इंशाल्लाह आपको मिलते हैं एक और बेहतरीन खूबसूरत पुरकशिश और मज़ेदार वीडियो में। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।